अनारकली बीड़ी, अनारकली हेयर कटिंग सलून, अनारकली मूंगफली का तेल। राजेश, ओ राजेश। अनारकली, अनारकली। बुआ। अनारकली का तेल तो मैं तेरे सर में डालूंगी। जब देखो तब सपने देखता रहता है। अरे, फिर वही किताबें। फुलवो कावली, तोता मैना, अली सेला कितनी बार खाई किताबें मत पढ़ा कर। दस बज गए हैं दुकान जाना है कि नहीं? गुल्लू तैयार हो गया। गुल्लू भी तेरी तरह कहीं सपने देख रहा होगा। घर है ये पागल खाना। सपना अनारकली का, शक्ल बुआ की। रचाने वाले मुरली मनोहर, मुझे आशा है कि जो मेरी अभिलाषा है तू हिंदी भाषा में अवश्य समझेगा। ये नन्ना मुन्ना पुजारी तुझसे प्रार्थना करता है, मेरी बहन को बुद्धि दे कि वो विवाह कर ले और ये बैचलर बालक शादी कर सके। प्लीज प्लीज। गुल्लू, क्या बकवास कर रहा है? आओ आओ सरस्वती बहन, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम भी सच्चे दिल से कर लो, भगवान सबकी सुनता है। ओ सरस्वती बहन, कृष्ण भगवान के सामने मेरे कान काम खोल कर सुन ले, इस घर में शादी ब्याह का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें शादी के नाम से इतनी घृणा क्यों है भाग्यवान सरस्वती बहन? बकवास बंद, दुकान जाने का टाइम हो गया है। राजेश को सपने देखने की बीमारी है और मुझे दुल्हन बुलाने की। गुल्लू चले रहे यहाँ से, चल। अच्छा चल। मैं जाता हूँ, लेकिन प्रार्थना अवश्य कर लेना। हट। ओहो, गाड़ी क्यों रोकी? ये पास नहीं आएगा। अनारकली आओ तो। यही वो लड़की है जिसके ख्वाब मुझे हर रात को आते हैं। ये सपने का टाइम नहीं है, दिस इज डे टाइम। गुल्लू ये सपना नहीं है, वो देखो मेरे ख्वाबों की हसीना। अब आएगा पता। फरिया फरिया। अनारकली, मेरी अनारकली, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। कौन है तू? तुम्हारा सलीम, तुम्हारा प्यारा सलीम, जो कब से तुम्हारी तलाश में भटक रहा। He is right. ये रोज आपको ख्वाब में देखता है। ये दोनों गुंडे दिखाई देते हैं। He's right. पकड़ो इनको, मारो। अरे नहीं, अरे क्या करते हो? अरे छोड़ो, अरे बचाओ, बचाओ, अरे मारो उसको, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये तरह की दुकान है? अरे हम ग्राहक लोग कितनी देर से आए हुए हैं और अभी तक दुकानदार का पता ही नहीं है। गुल्लू, बुजुर्गों ने ठीक कहा था कि गाग और मौत का कुछ पता नहीं कब आ रहा है। क्यों साहब, आप हमको मौत कहते हैं? देखिए साहब, आज
आज कोई सौदा वोदा नहीं हो। क्यों 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 जी? क्या बात है? आज हम दोनों बहुत मार खा के आए हैं। साहब ये तो दिखाइए। वो देखो गुल्लू, वो अनारकली वही लड़की थी। अनारकली तो वही होगी, लेकिन ये जो अकबर बादशाह के प्यादे आए हुए हैं, इनका क्या करना है? लो एक प्यादा तो मरा, बाकी रहे दो। अरे ये लोग तो हमारी जान के पीछे पड़ गए, चलो यहाँ से। कैसे पागलों का वास्ता पड़ा है? हाँ चलो ये तो। कैसे गाहकों से वास्ता पड़ा? ये दुकान है ये पागल खाना। बिल्कुल सही है। क्या चाहिए आप लोगों को? अरे चाहिए तो बहुत कुछ था। तो फिर चलिए ना। क्या खाक करिए ना, जरा हमारी सूरत तो देखिए, हमारे कपड़ों की हालत तो देखिए। अरे मेरी कमर के तो दो टुकड़े हो गए। हाँ अब मैं जिंदगी भर तक खुद भी कभी दुकान में नहीं आऊंगा, किसी को आने भी नहीं देंगे। चलो भाई चलो भाई चलो। मैं अपनी अनारकली के सपने देखने जाता हूँ। ठीक है, तू अपनी अनारकली के सपने दुकान में बैठ कर देख, और मैं अपने अनारकली के सपने दुकान से बाहर जाकर देखता हूँ। कहाँ जा रहा है गुल्लू? सरस्वती बहन जी, मैं तो ग्राहक ढूंढ रहा हूँ, वो चले गए। कब हो? ग्राहक ढूंढ रहा है? चल अंदर चल। ग्राहक तो आते हैं, मगर तुम दोनों भगा देते हो। यही तो मैं सोचती हूँ, एक महीने से इस दुकान में कुछ बिक्री क्यों नहीं हुई? तुम दोनों यहाँ पर बैठ के गप्पे हाँकते रहते हो और ग्राहकों को बाहर हकाते रहते हो। राम राम राम, जरा देखो। हाय हाय हाय, क्या दुकान की हालत बना रखी है, इतनी मट्टी। अरे कभी सफाई भी की है तुम दोनों ने? बुआ ये पुरानी चीजों की दुकान है, इसकी सफाई की तो सफाया हो जाएगा। क्यों गुल्लू? बिल्कुल सफाया, यहाँ जितनी धूल जमी रहे उतना ही अच्छा। हाँ, हम तो बल्कि बाहर से धूल ला ला कर यहाँ डालते हैं, रेती बंदर से लाकर डालते हैं। और अगर मैं तुम दोनों को बाहर डालूं तो? नहीं नहीं बुआ, ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये दुकान कौन चलाएगा? अरे दुकान तो वैसे भी चल चुकी, मगर देखो मैं तुम दोनों को एक चांस और भी देती हूँ। राजेश, आज तुम दुकान साफ करो, बिल्कुल साफ, और जब तक दुकान साफ नहीं हो जाएगी मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी, समझे? और मुझे? तू चल दुकान के बाहर बैठ। अरे गुल्लू तू यहाँ बैठ, दोनों साथ रहते हैं तो कोई काम नहीं। खुदाया किन किन मुसीबतों में ये हिंद वाले पड़े हुए। मकान वाले मकान के बाहर मकान पे ताले पड़े हुए। अच्छा भाई मैं तो आराम करता हूँ, तुम जल्दी जल्दी सफाई करो वरना छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ तुम आराम करो और मैं काम करूँ, तुम बहन के भाई जो ठहरे। भगवान, तोता मैना की किताब में लिखा है कि ऐसे पुराने चिरागों में से जिन निकलता है जो आदमी के सब काम कर देता है। इस चिराग में से भी एक छोटा सा जिन निकाल दे जो और कुछ नहीं तो मेरे बर्तन तो साफ कर दिया करे, मगर तू मेरी बात सुनने वाला कहां? मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। सच? अच्छा तो देखे
ऐसा करो कि वो बाहर वाले को अंदर कर दो और मुझे बाहर कर दो। ये बात है तो ये लीजिए। अरे ये कैसे हो गया? आका अब तो यकीन आया आपको? यकीन ये बड़ी थोड़ी सी जगह थी,